यहाँ पे आप आए तो यहाँ पे अपने बच्चों को साथ लेके आए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के देखने के लिए बहुत सारा चीज बनाया गया है। देखो कहाँ जा रहा है, सीधे अब में आ रहा है। अच्छा क्यों पता नहीं यार, ठीक है। ये भी एक कैमरा ही है, देख सकते हैं। पिक्चर से रिलेटेड यहाँ पे सामान रखा हुआ है। गाइस इसमें चारों तरफ से मिरर लगा हुआ है, देख सकते हैं। और ये मिरर का बुलबुल ही आया है, ऐसे नहीं है, मिरर इसमें चारों तरफ लगा हुआ है। सच में यहाँ पे आप आएंगे तो थोड़ा सा महसूस होगा कि हम बोल के हैं। कहीं से भी कुछ नहीं लगा हुआ है, देख सकते हैं। और पता नहीं कहाँ से इसमें पानी आ रहा है। कमेंट जरूर करना, देख के कमेंट करना कि कहाँ कैसे चल रही है, इसी का कमेंट करना है। आप सिर्फ देख बताइएगा, चालू कर रहा हूँ, देख सकते हैं इसे मैं चालू कर रहा हूँ। आप बस बताइएगा कमेंट करके कि कैसे घूम रहा है, देखा देख लीजिए। और इसमें बॉल भी लगी हुई है, बॉल ना नीचे आ रही है ना ऊपर जा रही है, देख सकते हैं। बस कमेंट करके बताइएगा कि कौन से तरह घूम रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, एक बार जरूर बताइएगा कमेंट करके गाइस। दुनिया की पहली साइकिल है। हेलो दोस्तों, आप सभी का नए ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं हूँ दिल्ली के नेशनल साइंस म्यूजियम में, तो चलिए इसे देखते हैं और घुमाते हैं कैसा यहाँ का नज़ारा है। आपको आंखों पे यकीन नहीं होगा कि कैसे हो रहा है और कैसे बनाया गया है, तो चलिए आपको अंदर दिखाते हैं। और टिकट की बात करें तो यहाँ की टिकट है 70 रुपये पर पर्सन है, और यहाँ की और फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि आप अलग अलग पैसों में यहाँ पर ले सकते हैं। इसलिए शाम को आया हूँ तो यहाँ पर बंद हो चुका है, तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ का नज़ारा। चलते हैं इधर, देखते हैं क्या है। गाइस आप इसको एक बार ध्यान से देखते हैं क्या हो रहा है। ताजमहल बन गया, वो बन गया, हिमालय बन गया, अब क्या बनता है, नदी में नहाता हुआ व्यक्ति बन गया। इसमें आ रही है तीन तरह की पिक्चर। गाइस ये आपके सब कुछ का वेट बताएगा, देख सकते हैं कि कितना हमारे में पानी है, कितना लंग्स का वेट है और कितना हमारा वेट है, सारा चीज़ बताएगा इसमें, देख सकते हैं। इस पर हम खड़ा हैं और ये बता रहा है दोस्तों, तो जैसे एक जगह डालेंगे तो सारा जगह से घूम के एक ही जगह पे आके गिरेगा, जो कि नीचे में आके वहाँ पे आएगा। गाइस अब हम देखते हैं कि ऊपर में क्या है। वाह यार, ऊपर का नज़ारा तो देखने में है धरोहर, धरोहर विज्ञान तकनीकी, देख सकते हैं। ये लगभग 500 वर्ष पहले का सब कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है, देख सकते हैं। जो ये है आपको बताएगी, अब चलते हैं हम इधर। यहाँ पे लगभग 500 वर्ष पहले का जो तस्वीर है उसको दिखाया गया है बना के। बोल यंत्र, ये
यह गोल अंत जल चक्र देख सकते हैं, जल चक्र यंत्र है, यहाँ से पानी निकालेंगे तो ये सारा चीज देख सकते हैं पूरा हो जाएगा, लास्ट मूर्ति में आएगा। और ये है पीठ यंत्र, अब चल रहे हैं इसमें देखते हैं क्या है। ये आपको पहले के जमाने के देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये सब पहले का जमाने का एक खिलौना है, मिट्टी का, पत्थर का भी है कुछ इसमें। मलालाएं हैं उनका और देख सकते हैं ये है हथियार उनका, कैसा पहले के जमाने में वो लोग हथियार रखते थे वो है कि शंख को काट काट के बनाया गया है, इसको लोग कानून में पहनते थे। हाँ, और ये है कुछ पत्थर देख सकते हैं, पहले के जमाने में कैसे लोग करते थे, यहाँ पे सारा चीज बना हुआ है। काम करते समय स्टैचू बनाया हुआ है देख सकते हैं ये वाला, और ये कुछ पत्थरे हैं। अब चलते हैं इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है। जैसे देख सकते हैं यहाँ से करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, टोटल आप इसमें मैथ कर सकते हैं। ये पाइथागोरस, ये सर्कल एंड इट्स डायमीटर, ये डायमीटर है। ये है गाइस भस्म बनाने की विधि देख सकते हैं कैसे है। आ जाते हैं इधर, गाइस ये संस्कृत पहले आदमी जो बीमार पड़ता था नायकों की लो भट्टी, क्योंकि साइंस म्यूजियम में ही बनाया हुआ है, नायकुंड की भट्टी है, आदिवासियों द्वारा ऐसे ही लौह निर्माण किया गया था, कैसे हथियार हथियार बनाते थे कैसे क्या करते थे वैसे ही यहाँ पे है। नौरिया एवं भारत का संबंध, ये है 350 वर्षों पहले की तस्वीर बनाई हुई है, 350 वर्षों में पहले जब पानी आदमी निकालने के लिए जब ये बनाया था वही बना के यहाँ पे दिखाया जा रहा है। पहले लोग ऐसे ऊंट या बैल को बांध के, इसको कोल्हू को पता नहीं क्या बोलते हैं तो हमें समझ में नहीं है, पानी खींचने के लिए पहले लोग ऐसे बनाते थे। पहाड़ियों में जो होता है, पहाड़ियों में जो बसते हैं उनका ही है देख सकते हैं। गाइस
सबसे पहले कपड़ा कैसे बनाते थे ना, ये यहाँ पे बना के ऐसे दर्शाया गया है। देख सकते हैं सबसे पहले कपड़ा कैसे बनता था। पहले कपड़ा ऐसे ही बनता था, हाथों से पहले कपड़ा बनता था। देख सकते हैं ये वाला कपड़ा है, और ऐसे हाथ से कैसे बना रही हैं लेडीज़ है, कोई लेडीज़ को यहाँ पे बैठाया गया है। और ऐसे चरखा है, उसमें से धागा आता था, वहाँ आता था, फिर उसमें से इसमें आता था, इसमें से आके फिर वहाँ पे नीचे से कपड़ा बन के तैयार होता था, देख सकते हैं। और ये वाला कपड़ा सारा इसी से तैयार हुआ है, वो वाला कपड़ा है और उधर में भी है। यहाँ पे आपके बहुत से यंत्र देखने के लिए मिल जाएंगे, देख सकते हैं गाइस। ये दिल्ली की तीसरी कुतुब मीनार, और ये है सांची का स्तूप। ये सांची का स्तूप है सम्राट यंत्र। सोलापीठ मंदिर है, ताजमहल है, यहाँ पे आप आए तो यहाँ पे अपने बच्चों को साथ लेके आए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को देखने के लिए बहुत सारा चीज़ बनाया गया है। और बच्चों यहाँ पे मैथ भी सीख सकता है बच्चा, मैथ का बनाया गया है, कैलकुलेटर कैलकुलेटर और कॉस थीटा साइन थीटा ये सब यहाँ पे बनाया गया है, वो देख सकता है बच्चा, क्लिक कर करके यहाँ पे पढ़ सकता है। पुराने जमाने के म्यूजिक के सामान होते देख सकते हैं, ये वाला यहाँ पे है पूरा टोटल तपाकर बनाई गई चौक की नलियां, देख सकते हैं। इसे पहले आग में तपाया जाता था, फिर इसे बनाया जाता था, और कैसे बनाया जाता था, चौक की ढलाई ऐसे होती थी, तोप के आकार का ढांचा बना के और उसमें तोप उसमें जो लोह उसमें लगता है उसको डाल दिया जाता था, और तोप बन के तैयार हो जाता था, ढांचे में ढल जाता था। तोप का संचालन जमीन पर, तोपों का संचालन जब दोनों तरफ पर दिए गए आधारों तक गाड़ियों को द्वारा किया जाता था, बड़ी बंदूक उन्हें समानता किले के दीवारों पर चढ़ा दिया जाता था, देख सकते हैं इसके बारे में लिखा हुआ है। यह पहले के पॉइंट देख सकते हैं गाइस। आप यहाँ तक आएंगे फिर यहाँ से आपको इधर जाना है, फिर आपको इधर जाना है, फिर यहाँ से चलते हैं, आगे दिखाते हैं कि आगे क्या है इसमें। अब इसमें चल रहे हैं, देख सकते हैं इसमें क्या है। शार्क है, ये कुछ बारे में लिखा हुआ है। ये आपका बॉडी का कार्बन बताएगा, कितना आपके बॉडी में कार्बन है। कार्बन इन योर बॉडी इज 9.70। देख सकते हैं मैं किस पे खड़ा हूँ, हमारे बॉडी का कार्बन बताता है।
बंद चल रहा है, देख सकते हैं फिलहाल में बंद है। और क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। अब हम इसमें एंट्री कर रहे हैं, देखते रहे हैं इसमें क्या है। गाइस इसमें तो आपको अंधेरा देखने को मिलेगा, बहुत ही मस्त बनाया गया है और आगे आप देख सकते हैं आप लोग। फ्लैश लाइट मेरा जला के फिर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
पाएंगे तो नेचर से कनेक्ट हो पाएंगे। सेकेंड में आ रहा है, लाइट विद्युत के बारे में। आप ब्लॉगर हो? हाँ। Thank you.
आप बताइएगा कमेंट करके कि कैसे घूम रहा है, देखा देख लीजिए। और इसमें बॉल भी लगी हुई है, बॉल ना नीचे आ रही है ना ऊपर जा रही है, देख सकते हैं। बस कमेंट करके बताइएगा कि कौन से तरह घूम रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, एक बार जरूर बताइएगा कमेंट करके गाइस। क्योंकि देख सकते हैं अप और डाउन क्वेश्चन है। ऐसा क्यों हो गया यार गाइस, इधर अप है इधर डाउन है, लेकिन अब से देखो अब से कर रहे हैं, लेकिन ये इधर रहेगा ही नहीं, डाउन में है ये, देखो कहाँ जा रहा है, सीधे अप में आ रहा है, पता नहीं यार। कैमरा
सेट ऐसा बनता था और वहाँ पे चलाने वाला वो यहाँ पे रखा हुआ है, वो ऐसे चलता था, देख सकते हैं गाइस। इसमें पुरानी से पुरानी चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे जैसे यहाँ पर रील बनता था, कैमरा कैसा था, वहाँ यहाँ पे सारा चीज़ कर करके यहाँ रख रख के दिखाया गया है वैसे। आज भी इसमें लेंस से देख सकते हैं पूरा, ये टाइपिंग मशीन, कई तरह के यहाँ पे टाइपिंग मशीन भी रखे हुए हैं। ये भी एक कैमरा ही है, देख सकते हैं रील बनाने पिक्चर बनाने वाला कैमरा है, देख सकते हैं यहाँ पे बस पिक्चर से रिलेटेड यहाँ पे सामान रखा हुआ है, सारा पिक्चर से रिलेटेड है, देख सकते हैं ये वाला भी। गैलरी में क्या है, गैलरी में तो कुछ नहीं है। यात्री पर रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे रेलवे स्टेशन, जैसे पिक्चर में रेलवे स्टेशन का सीन बनाया जाता है वो है। गाइस इसकी इनॉग्रेशन की बात करें तो 1992 में हुआ था, प्रगति मैदान से जब उतरेंगे तो वहाँ से 2 किलोमीटर है, आप वहाँ से ऑटो से भी आ सकते हैं, ऑटो से आ सकते हैं यहाँ पे, और 30 से 40 रुपया लेगा यहाँ से, आप ऑटो से आ सकते हैं। कहीं से भी कुछ नहीं लगा हुआ है, देख सकते हैं, पता नहीं कहाँ से हमें पानी आ रहा है। गाइस ये पूरा नेशनल साइंस म्यूजियम देख सकते हैं आप, साइंस म्यूजियम का ये पूरा व्यू है। और गाइस इसकी बात करें तो ये नेशनल साइंस म्यूजियम प्रगति मैदान में है, आप यहाँ से आएंगे तो प्रगति मैदान जिस मेट्रो स्टेशन यहाँ से नियरेस्ट है वो आप लगभग 30 से 40 रुपये लगेगा, आप यहाँ पे आ सकते हैं। और टिकट की बात करें तो पर पर्सन 70 रुपीज़ यहाँ पे टिकट प्राइस है, आप जैसे मर्जी वैसे भी आ सकते हैं। आप यहाँ पे आप आएँ तो बच्चों अपने बच्चों को ज़रूर लेके आएँ यहाँ पे, क्योंकि बच्चों के देखने के लायक यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा चीज़ है, बच्चे देख के और उनका माइंड कुछ अलग डायरेक्शन में भी काम करेगा, देख सकते हैं आप वीडियो में भी देखे होंगे कि कैसे कैसे है। तो भाई आप यहाँ पे आएँ तो बच्चों के साथ में आएँ, और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। नेशनल साइंस म्यूजियम से आप यहाँ से भी